नमस्कार गार्जियंस, मैं उमेश सेनरा आपके सामने आज का एक मुद्दा लेकर के हाजिर। और आज का टॉपिक है, आज का मुद्दा है, आखिर फीस जमा क्यों, जमा करनी क्यों ज़रूरी है, क्यों जमा करें फीस, क्या आवश्यकता है। आज स्कूल की फीस को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। बस अधिकतर लोग यही मुद्दा है, अधिकतर लोगों का यही मुद्दा है कि फीस क्यों जमा करें, बस किसी तरीके से बच्चे की स्कूल की फीस ना जमा करनी पड़े, यही मुद्दा है। और यूनियन भी बना ली है और स्कूलों के खिलाफ आंदोलन की स्थिति भी है गार्जियंस की। मैं उमेश सेनरा गढ़मुक्तेश्वर बताना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूलों की कुछ हकीकत। पहली बात तो प्राइवेट स्कूल, स्कूल कैसा भी है, सरकारी है या प्राइवेट है, मैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, एक कॉमन बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए है, राष्ट्र को अच्छे नागरिक देने के लिए संकल्पित है और रात दिन उसके लिए काम करते रहते हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चे को अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और अच्छी एजुकेशन दें, ताकि राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक वो बच्चे बनकर के खड़े हों। अधिकतर प्राइवेट स्कूल में एक ही परिवार के तीसरे बच्चे की फीस माफ होती है। अधिकतर जितने भी प्राइवेट स्कूल में एक परिवार से तीसरा बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो तीसरे बच्चे की स्कूल ऑटोमेटिकली अधिकतर स्कूल माफ़ कर देते हैं। अगर किसी बच्चे के पिता नहीं हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति, कमज़ोर स्थिति को देखते हुए स्कूल उस बच्चे की फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं और उसे बिना फीस लिए पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्योंकि कॉम्पिटिशन्स है, तो विभिन्न स्कीम्स चला करके, फीस को लेकर के विभिन्न स्कीम चला करके फीस में छूट भी देते हैं। और ऐसे अभिभावकों, जो तेज तर्रार अभिभावक होते हैं, उनको भी झेलते हैं जो पूरे साल भर तक फीस तो जमा करते नहीं, बच्चे को पढ़ाते रहते हैं और जब सेशन चेंज होता है तो वो स्कूल ही बदल देते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और जो है जहाँ वो पहले पढ़ता हुआ आता है बच्चा, उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं ताकि फीस ना देनी पड़े। स्कूल अभिभावकों की प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता भी करते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कारणवश आर्थिक स्थिति खराब हो गई है अभिभावक की, तो उनकी भी ज़रूर सहायता करते हैं। सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों की ये भावना रहती है कि स्कूल से जुड़ा हुआ बच्चा अभिभावक परेशान ना हो। समय तो ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ बच्चों को तो कोर्स भी और यूनिफॉर्म भी स्कूल अपनी तरफ से दिला देते हैं। गरीब बच्चा है, चलो इसको कोर्स और यूनिफॉर्म भी खुद ही अपनी तरफ से दिलाते हैं। और अगर हम सारे इन बच्चों को गिनें देखें तो लगभग 25 से 30% ये बच्चे हो जाते हैं स्कूल में, और स्कूल की जो व्यवस्था होती है बाकी बचे हुए 70 से 75% बच्चों के ऊपर स्कूल की व्यवस्था टिकी होती है, उनकी फीस पर टिकी होती है। वो बच्चे होते हैं जिनकी फीस समय पर जमा होती है। यूँ कहिए कि ये बच्चे, 70 से 75% बच्चे उन बच्चों को जो 25 से 30% बच्चे हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं, जो कि उनके अपने तीसरे भाई बहन होते हैं, ज़रूरतमंद गरीब बच्चे होते हैं या मानसिक रूप से गरीब माता पिता के बच्चे होते हैं। मानसिक रूप से गरीब माता पिता मैं उनको कहता हूँ जो सक्षम होते हुए भी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करते। तो ये 70 से 75% बच्चे इन 25 से 30% बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। प्रत्येक प्राइवेट स्कूल अपने अपने तरीके से बच्चों की पढ़ाई में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है। और आज के समय में इस माहौल को देखते हुए सबसे सुदृढ़ जो माध्यम है वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन के माध्यम से स्कूल के टीचर्स बच्चों तक पहुंच रहे हैं,
और उन्हें बिज़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपके पास, मैं गार्जियन से गुजारिश करूंगा, अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपके जहन में है, आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो कृपया कर मुझे सजेस्ट करें, अपने स्कूल को सजेस्ट करें कि ऐसे माहौल में जबकि स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं, तो और कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है। हो सकता है तो ज़रूर हम फिर उसे अडॉप्ट करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स आदि सभी अपनी ड्यूटी पर हैं, भले ही वो घर बैठ करके कर रहे हैं लेकिन अपनी ड्यूटी पर हैं, बाखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वर्क भेज रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बच्चों से संपर्क भी कर रहे हैं फ़ोन के द्वारा, केवल इसी उम्मीद से कि बच्चे पढ़ते रहें और उन्हें उनकी सैलरी मिलती रहे, ताकि वे यानी टीचर्स अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है वो अपना फील्ड ही चेंज कर दें भविष्य में, टीचिंग से ही हट जाएं। पैसा कभी किसी के पास नहीं रुकता, आज तक नहीं रुका, लेकिन ये लोगों की ज़रूरत पूर्ति करते हुए आपके पास से पैसा मेरे पास आया, मैंने कुछ खरीद करके दुकानदार को दे दिया, इस तरीके से एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हुए कितनी बार आपके पास वापस लौट आता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस चेन को ब्रेक मत करो। स्कूल की फीस तो देनी ही है, आज नहीं तो कल। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार ही सभी स्कूल चल रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है फीस नहीं लेनी, निश्चित रूप से गवर्नमेंट के कोई स्कीम अगर वो लॉन्च करती है फीस को लेकर के, तो हर स्कूल उसको मानेगा, लेकिन वो स्कूल के हित में भी हो वो समय बताएगा। अगर कोई स्कीम आती है तो उसका लाभ अभिभावकों को भी मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की स्कीम नहीं है। तो फीस तो देनी है आज नहीं तो कल, परंतु आने वाला कल आज जैसा नहीं होगा। और ये भी आप समझ लें, जो व्यक्ति विपरीत समय में किसी की सहायता करता है वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। अतः मेरी आप सभी अभिभावकों से तहे दिल से गुजारिश है, विनती है, अगर आप सक्षम हैं तो स्कूल की फीस ना रोकें, स्कूल की फीस जमा करें और शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों का सहयोग करें, वरना बहुत सारी संस्थाओं की व्यवस्था इस महामारी में अव्यवस्थित हो जाएगी और उस संस्था में आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो अव्यवस्थित हो जाएगा तो निश्चित रूप से भविष्य में शिक्षण कार्यों में दिक्कत आएगी। फीस जमा करने में आप प्रथम बने, दूसरे के बारे में ना सोचें कि दूसरा जमा नहीं कर रहा, नहीं, आप प्रथम बने, आप स्वयं फीस जमा करें, और कम से कम अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो 1000 रुपीज़ प्रति बच्चा ज़रूर जमा करें। यदि आप गूगल पे, फ़ोन पे या और कोई ऐप मोबाइल पर प्रयोग करते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो आप उसका यूज़ करके स्कूल के अकाउंट नंबर में सीधा फीस जमा कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर और अपनी फ़ीस की डिटेल आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है उसके ऑफिस में फ़ोन करके आप मालूम कर सकते हैं। जब आप इस तरह के ऐप के जरिए फीस पे करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप स्कूल के फ़ोन पर उसको सेंड करें और वहाँ फ़ोन करके भी बता दें कि सर मैंने इतनी फ़ीस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। अभिभावकों, उपरोक्त दिए हुए बिंदुओं पर गहराई से चिंतन करें और अपने बच्चे व उसकी संस्था के बारे में सकारात्मक सोच रखें। हमेशा ध्यान रहे कि समय एक सा नहीं रहता, समय जरूर परिवर्तित होता है। धन्यवाद, नमस्कार।